श्री राम। आज प्रभु श्री राम हमारे 550 साल का वनवास काट के आज हमारे मंदिर में पधार चुके हैं, तो आप लोगों को लेके चलेंगे हमारे देश में किस तरह उत्सव मनाया जा रहा है। आज के दिन दिवाली तो हर साल आती है, लेकिन ये जो दिवाली आज दिवाली है वो 550 साल के बाद आई है। तो आप लोगों को दिखाते हैं हमारे देश में किस तरह उत्सव मनाया जा रहा है ये राम प्राण प्रतिष्ठा का, श्री राम मंदिर में पधारने का। आप लोग देख सकते हैं हमारा चौराहा जो है कादीपुर का चौक किस तरह से सजाया गया है। पूरा कादीपुर राममय हो गया है, राममय। हर तरफ झंडे, हर तरफ बैनर, पोस्टर, ओम का भगवा झंडा हर तरफ दिख रहा होगा आप लोगों को। ये उत्सव है, ये उत्सव है भगवान श्री रामचंद्र जी के 550 साल के वनवास का, जो प्रभु श्री राम इतने दिनों तक टेंट में विराजित थे। आज हमारे प्रभु श्री राम पहुंच चुके हैं अपने निज निवास, निज मंदिर में। तो भक्तों, आप लोगों को लेकर चलेंगे हम अपने गांव में, जहां पर प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में जो भव्य तरीके से उत्सव मनाया जा रहा है, हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। आइए चलते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हमारे गांव का मैया बाबा का स्थान है, यहाँ पे उत्सव मनाया जाता है। रामायण अभी सुंदरकांड का पाठ हो चुका है, और जो ये श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा है उसका आप लोग देख सकते हैं पीछे जयकारा हो रहा है। अच्छा लगा, अपने गांव में भजन हुआ है और बहुत जयकारा लगा, सभी लोग बहुत ढंग से उत्सव मनाए हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं बिजेतुआ दर्शन करेंगे बाबा का, फिर उसके बाद आएंगे घर पे। और घर पे ऐसा उत्सव मनाया जाएगा आज कि जैसे दिवाली मनाते हैं हम लोग ना, दिवाली तो हर साल मनाया जाता है, लेकिन आज का जो प्रोग्राम है, ये आज का ये उत्सव जो है 550 साल बाद आया हुआ है जी। हम लोग अभी रास्ते में है, बाबा के लिए निकल गए। Thank you.
यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग किस तरह से सजाया गया है। आप देख सकते हैं दिया जलाने का प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पे दीप जलाए जाएंगे। सुंदर नजारा है, पूरा बिजतुआ धाम जो है दीपों से सजा दिया गया है।